हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक कर सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच सुलह कराई गई थी, जिसके बाद 31 मई को सचिन पायलट ने अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक का दौरा किया। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 31 मई को सचिन पायलट का कांग्रेस को दिया हुआ अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। इस दौरान पायलट ने कहा कि नौजवानों के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। नौजवानों के लिए मैंने हमेशा संघर्ष किया है और मैं समझता हूँ कि अगर हम जैसे लोग नौजवानों के लिए बात नहीं रखेंगे तो फिर नौजवानों के मन से उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप सब जानते हो जो बच्चों की बात आती है, नौजवानों की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, एग्जाम कैंसिल होने की बात आती है, रोजगार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, वो अगर हमारी प्राथमिकता नहीं तो हमारी प्राथमिकता क्या है। और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में चाहे किसी पद पर मैं हूँ या ना, लेकिन मेरे प्रदेश के नौजवानों के लिए मैंने कभी बात को हाथ में रखी नहीं है और आज ये इसको समझना नहीं चाहिए कि हमने बात छोड़ दी है, अपनी बात पर बने रहेंगे। वहीं राजस्थान बीजेपी का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनके सामने अपनी कंडीशन रख पाए। मैं समझता हूँ सचिन पायलट के दम पे ना मुख्यमंत्री आज भी कल भी कह रहा है कोई कंडीशन नहीं होगी, तो मैंने पहले भी कहा था आज मैं फिर कह रहा हूँ अशोक गहलोत के सामने किसी की हिम्मत नहीं है, अशोक गहलोत के सामने कोई कंडीशन नहीं लग सकती। अब मैं आगे कहूंगा, पिछली बार अशोक गहलोत जी जब बने थे तब निन्यानवे आए थे, अब जब सचिन पायलट जी दोनों इकट्ठे हुए तब 100 ही पूरे हुए थे, 101 भी नहीं हो पाए थे। तो मैं समझता हूँ जिस साहब का वेव और जिस साहब का काम आज देश के प्रधानमंत्री का है, भारतीय जनता पार्टी का है, मैं आपको बताऊँ कि कम से कम 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बता दें आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियों को कम करने की कोशिश की थी। तब सचिन पायलट ने अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस हाईकमान को अल्टीमेटम दिया था